परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमन एवं समस्त साथियों को भी मेरा नमन। मैं आज जो काव्य पाठ आप सभी के सामने लेकर आया हूँ वो धार्मिक एकता के लिए है। जैसा कि आपने सुना होगा कि आए दिन हम हिंदू मुस्लिम मुद्दे सुनते रहते हैं, कभी राम मंदिर पर तो कभी किसी रैली पर, तो उसी के लिए मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करूंगा। चित चित के सौर्य गूंजेगा स्वयं दिन माने बदलेगा, चित चित के सौर्य गूंजेगा स्वयं दिन माने बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो हिंदुस्तान। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चे अर्थों में ये जो भारत देश है किसका है। पृथक हर घर में होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर घर में होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मूल के यहाँ उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पढ़ाई करना, हम यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं। पृथकता में रहे मिलजुल के यहाँ उद्देश्य होता है, जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। एक मानस की पात्र के प्रति जो हम लोगों की जो मन विचारे है उसके बारे में कुछ मैं आपको बोलना चाहूंगा। बिना मौसम हृदय को किस भी गूंजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किस भी गूंजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विदेश राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, जो हो उसे पूजा नहीं जाता। मैं भारत वर्ष का बेटा हूँ मर गिर झुक नहीं सकता, मैं भारत वर्ष का बेटा हूँ मर गिर डर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है उसे मार जाऊंगा लेकिन नमन में कर नहीं सकता, उसे मार जाऊंगा लेकिन नमन में कर नहीं सकता। कोई झगड़ा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई में ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई में ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। ये मेरी लास्ट लाइन आपके सामने पेश करूंगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है यही हमारे भारत देश का भविष्य है, तो हमारे युवा पीढ़ी का जो प्रेरणादायक है उनका जो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कथानक व्याकरण समझे तो सुर विद छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुर विद छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता राहुल मांगे।
सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।